नमस्ते बच्चों, अपा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं पार्वती नायक, आपकी हिंदी भाषा की अध्यापिका। तो आज हम छठी कक्षा से, सिक्स स्टैंडर्ड से, हिंदी व्याकरण में विशेषण को देखेंगे। तो पहले आप लोगों ने ग्रामर भाग पढ़ा ही होगा, जैसे कि भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन। तो इसके बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिए। तो अब देखेंगे विशेषण क्या होता है, और विशेषण से हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और विशेषण का कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, विशेषण का क्या महत्व है हमारे व्याकरण में, और संज्ञा सर्वनाम का क्या, जो बोलते हैं ना संज्ञा सर्वनाम के जो वैल्यूज है या उसका महत्व जो है विशेषण से और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस तरह से आज हम देखेंगे विशेषण में क्या क्या होता है और विशेषण की परिभाषा जानेंगे। जैसे देखो, विशेषण का मतलब होता है किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बताना, या उसके रंग के बारे में बताना, या उसके रूप के बारे में बताना, उसके अंदर जो क्वालिटीज है या गुण है या दोष है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, जो भी हम लोग बोलते हैं ना वो सब विशेषण में आता है। तो हम देखेंगे यार विशेषण का जो महत्व है हिंदी ग्रामर में, तो किस तरह से ये सेंटेंस बनाने में उपयोग होता है, और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता है वो कैसे बदल देता है। तो पहले देखेंगे हम लोग विशेषण की परिभाषा। तो विशेषण की परिभाषा जान लेंगे। देखेंगे यहाँ पर विशेषण परिभाषा, जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे कि गुण, दोष, संख्या, मात्रा, परिणाम आदि। तो ये सारी जो विशेषताएं होती है या उसको बताने वाले जो होते हैं शब्द, उसका जो बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में भी साथ दे। स्वार्थी व्यक्ति कभी सच्चा मित्र नहीं बन सकता। तो बच्चों, आप लोगों के भी फ्रेंड्स होते हैं जो कि मुसीबत के समय पर ही आपकी मदद करते हैं, मगर एक एक दो सस्ते ऐसे भी होते हैं जो कि मतलबी होते हैं, काम के वक्त नहीं आते हैं, है ना। तो उसी को यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि लाल रंग के जो शब्द हैं उसे हम लोग यहाँ पर विशेषणता या विशेषण के बारे में पता करने वाले शब्द हैं। उपर्युक्त वाक्यों में सच्चा और स्वार्थी शब्द जो है क्रमशः मित्र एवं व्यक्ति संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो ये विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं विशेषण है, परंतु विशेषण मात्र संज्ञा शब्दों की ही विशेषता नहीं बताते, अपितु सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों के ही यहाँ पर विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण देख लेंगे, बहुत दुबला पतला है, दो बेचारे, देखो दूसरा, बेचारे वे और क्या कर सकते थे। तो इस तरह से यहाँ पर वह जो आया है वो सर्वनाम कहलाएगा, या जो है सर्वनाम। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य भी कहते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, विशेषण अलग और विशेष्य अलग। जो विशेष्य होते हैं वो जो होते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जो शब्द है उसे विशेष्य कहते हैं, और उसी उसकी जो गुण के बारे में या दोष के बारे में पता कराए वैसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो नाम से जाना जाता है, समझ में आया। जैसे गहरा, ये क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। सागर जो है यहाँ पर क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। बुद्धिमान यहाँ पर विशेषण कहलाएगा। लड़की जो है विशेष्य कहलाएगी। तो इस तरह से सर्वनाम और संज्ञा के विशेष गुणों के बारे में, या दोष के बारे में, या संख्या के बारे में, मात्रा के बारे में, परिणाम के बारे में, या परिमाण के बारे में पता कराए वैसे शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के कितने भेद हैं,
विशेषण के चार भेद होते हैं, जैसे कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो ये सारे चार विशेषण के भेद हैं। तो एक एक कर हम लोग देखते जाएंगे और उसके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो पहले देखेंगे गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा अथवा अवस्था अथवा आकार आदि के आदि का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए, कुछ उदाहरण है। यहाँ पर जो एक लड़का है बहुत मेहनती है, तो उसे क्या कहते हैं? मेहनती बच्चा है। राहुल क्या है? मेहनती बच्चा है। तो यहाँ पर जो मेहनती वर्ड है, शब्द जो है, वो विशेषण कहलाएगा या गुणवाचक विशेषण में आएगा। तो यहाँ पर खाना रखा गया है, तो खाना कैसा है? स्वादिष्ट है। तो सभी को खाना खाना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन करना अच्छा लगता है। तो आप बोलते हो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। तो इस तरह से उसके गुण के बारे में पता चलता है। तो इसी को ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, जैसे कि गुण के बारे में पता करना, दोष के बारे में, रंग रूप के बारे में या आकार प्रकार के बारे में, अवस्था के बारे में, स्थिति के बारे में या देश काल के बारे में, तो या स्वाद के बारे में पता कराना, गंध यानी कि सुगंध या दुर्गंध, इस तरह से स्मेल के बारे में पता कराना, दिशा यानी कि पूर्वी दिशा, उत्तरी दिशा, पश्चिमी दिशा या स्पर्श, तो कठोर, नरम, इस तरह से। तो पहले देख लेंगे सरल। गुण में क्या आएगा? योग्य, दयालु, ईमानदार व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति या मेहनती व्यक्ति। दोष में आएगा दुष्ट व्यक्ति, पापी व्यक्ति, बुरा, अयोग्य या कठोर। तो इस तरह से एक व्यक्ति का जो बुरा व्यवहार है या उसके बुरे गुण है, उसके बारे में भी पता कराने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। रंग रूप, गोरा, काला, सुंदर, लाल, आकर्षक, इस तरह से रंग रूप के बारे में पता कराने वाले शब्दों को भी यहाँ पर क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आकार प्रकार, जैसे कि गोल है, लंबा है या भारी है, इस तरह से बड़ा, मोटा, इस तरह से बताते हैं या किसी आकार के बारे में बोलते हैं ना, वो पत्थर बहुत गोला है, ये पहाड़ी बहुत लंबी है, बहुत भारी है ये पत्थर, इस तरह से आकार प्रकार के बारे में भी पता कराने वाले शब्द। अवस्था यानी कि रोगी, कमजोर, गरीब, युवा, बलवान। स्थिति बाहरी आना चाहिए, बाहरी, भीतरी, अगला, पिछला या स्थिर, तो इस तरह स्थिति के बारे में भी पता करना। देश काल यानी कि ऐतिहासिक, विदेशी, मलयाली, प्राचीन या भारतीय, इस तरह से देश काल के विशेषताओं के बारे में भी हम लोगों को यहाँ पर बताते हैं। तो मीठा, यहाँ देखेंगे स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, चटपटा और स्वादिष्ट, तो इस तरह से स्वाद के बारे में भी पता कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। गंध, खुशबूदार, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण या गंधहीन, लेकिन देखो खुशबूदार, कुछ अच्छा सा खुशबू आए तो खुशबूदार कहते हैं। सुगंधित है, ये फूल क्या बहुत सुगंधित है। दुर्गंधपूर्ण, कुछ बहुत गंदा स्मेल आता है तो उसे दुर्गंधपूर्ण कहते हैं या गंधहीन। दिशा, पूर्वी दिशा, उत्तरी दिशा, पश्चिमी, दक्षिणी या पाश्चात्य, इस तरह से दिशा के बारे में भी पता कराने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। स्पर्श या किसी को छू कर हम लोग महसूस करें, कठोर, नरम, कोमल, चिकना, खुरदुरा, इस तरह से हम लोग विशेषण के बारे में जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर संख्या के बारे में पता करने वाले शब्दों को यहाँ पर दिखाया गया, जैसे कि तीसरी मंजिल पर,
दूसरी मंजिल पर रहता हूँ, मैं तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। तो यहाँ पर तीसरी मतलब कि यहाँ कितनी मंजिल है बताया गया है, काउंटिंग या अंक, यानी कि तीसरी, तीसरा। यहाँ पर सात बच्चे खेल रहे हैं, तो सात बच्चों का यहाँ पर समावेश है। जिन संज्ञाओं की विशेषता संख्यावाचक विशेषण बताते हैं वे प्रायः जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण में दो और उपभेद आते हैं, वो जानेंगे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि क्या यहाँ पर आपके सामने है जो चीज है, तो उसे निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, तो उसे हम लोग निश्चित संख्यावाचक कि मीरा के पास चार पुस्तकें हैं। मीरा के पास क्या है? चार पुस्तकें हैं। निशांत ने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। निशांत क्या किया यहाँ पर? कक्षा में अव्वल आया, प्रथम दर्जे पर आया, प्रथम आया। तो वहां पर संख्या का बोध होता है, संख्या यानी कि अंकों का पता चलता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित यानी कि वहां आपके सामने, आप लोग वो अनकाउंटेबल बोलते हैं या आपके सामने नहीं है, बहुत सारे, कई लोग इस तरह से बोलते हो ना, तो बहुत सारे आसमान में बहुत सारे तारे हैं, इस तरह से आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं क्या? इस तरह से जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार में बहुत दुकानें हैं, बाजार में क्या है? बहुत सारी दुकानें हैं, जो कि आप लोग संख्या यहाँ पर बहुत बता रहे हैं। मंदिर में देखो, मंदिर में ये गलत है, मंदिर में कई लोग आए, तो इस तरह से मंदिर में बहुत सारे लोग आए, समझ में आया बच्चों? तो आगे जानेंगे संख्या विशेषण के अगले भेदों के बारे में। परिमाण वाचक विशेषण, तो यहाँ पर परिमाण वाचक विशेषण के बारे में बताया गया। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नाप तोल या मात्रा आदि का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि नाप तोल करना, आप लोग कुछ सामान लेने जाते हो ना, नाप तोल करते हो, या कुछ तेल होना है भी, तो दो तीन लीटर तेल दे दो या दो किलो तेल दे दो बोलोगे, या दो किलो गुड़ दे दो बोलोगे, या दो किलो चावल दे दो बोलोगे, इस तरह से, यानी कि नाप तोल करना। या किसी के पास जाकर दो किलो घी दे दो बोलोगे, इस तरह से। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स बताए एग्जांपल में, उदाहरण में, बाजार से एक किलो चीनी लेते आना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बाजार से एक किलो चीनी लेते आना, मुझे चार लीटर दूध दे दो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मुझे चार लीटर दूध दे दीजिए। परिमाण वाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, पहले इसमें भी दो भेद थे और इसमें भी दो भेद हैं। तो इसमें दो भेद देख लें। चलिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का नाप तोल या मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए बच्चों, यानी देखो नाप तोल करना, जैसे कि इतना उतना हम लोग बोलते ना, निश्चित रूप से आपके सामने वो दिखाई देता है, निश्चित। जैसे कि चार लीटर दूध से खीर बनेगी, चार लीटर दूध से क्या बनेगी, क्या बनेगी? खीर बनेगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? चार लीटर, तो चार लीटर दूध से खीर बनेगी। मेरी कमीज बनाने में दो मीटर कपड़ा लगा। तो यहाँ पर दर्जी ने क्या कह रहे, कपड़ा, जैसे कमीज बनाने में दो मीटर कपड़ा लगता है, यहाँ पर दो मीटर का जिक्र किया गया। अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का पता चलता है परंतु उनके निश्चित नाप तोल का पता नहीं चलता, उन्हें
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वर्षों पहले यहाँ एक महल हुआ करता था। क्या है? वर्षों पहले यहाँ पर एक महल रहा करता था। तो अनिश्चित रूप से आपके सामने नहीं है, परिमाण लगा सकते हो, बस बोल सकते हो माने कुछ फल या फूल भगवान के चरणों पर चढ़ाए। इस तरह से फूलों को जैसे माने कुछ फल भगवान के चरणों पर चढ़ाए, तो कुछ या वर्षों पहले, इस तरह से अंदाजा लगाना, इस तरह से अनिश्चित और निश्चित रूप का पता चलता है। सर्वनामी या संकेत वाचक विशेषण, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे सर्वनामी या संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरा है या मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। वह लड़की पहाड़ पर चढ़ रही है, तो सर्वनाम का मतलब होता है यह, वह, हम, तुम, उसका, इसका। तो ये शब्दों को प्रयोग कर वाक्य बनाना, सर्वनामी का मतलब होता है सर्वनाम। तो यह जो होता है सर्वनाम कहलाएगा। तो इस तरह से सर्वनामी शब्दों का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे कुछ उदाहरण देख लेंगे विशेषण के। कुछ उदाहरण जैसे संज्ञा, इधर मैंने लिखा है संज्ञा है, इसमें संज्ञा भी कहलाएंगे और संज्ञा के शब्द और सर्वनाम के शब्द और क्रिया के शब्द और अव्यय के भी शब्द हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, है ना बच्चों? जैसे कि कुछ शब्द जैसे मैंने बताया यहाँ पर उदास, उदास जो होगा एक नाम या संज्ञा शब्द कहलाएगा, मगर उसका विशेषण क्या बन जाएगा आगे जाकर? उदासी। उदास का क्या बन जाएगा? उदासी। इतिहास, ऐतिहासिक। धन, धनवान। नमक, नमकीन। उसका जो शब्द है, संज्ञा शब्द है, उसकी विशेष गुण के बारे में, विशेषता के बारे में पता चलना। घूमना, घुमक्कड़। जहर, जहरीला। ऊपर, ऊपरी। टिकना, टिकाऊ। बनाना, बनावटी। इस तरह से विशेषण के कुछ उदाहरण यहाँ देखा हम लोगों ने। जो भी कुछ यहाँ उदाहरण दिए गए संज्ञा शब्द से भी हो सकते हैं, सर्वनाम शब्द से भी हो सकते हैं और अव्यय शब्द से भी हो सकते हैं। सर्वनाम का मतलब आप लोगों को पता चला बच्चों, जैसे कि यह, वह, इसका, उसका, है ना? तो ऐसे शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से शब्दों को हम लोग प्रयोग कर सर्वनाम शब्दों का भी हम लोग यहाँ पर विशेषण देख सकते हैं। सर्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं कुछ शब्द, जैसे कि अभी पहले देख लेंगे सर्वनाम, यह घर मेरा है। यह घर मेरा है, मगर उसका सर्वनामिक विशेषण क्या कहलाएगा? यह मेरा घर है। तो पहला सर्वनाम आने की वजह से वो सेंटेंस बदल जाता है या चेंज होता है। तो इस तरह से हम लोग वाक्यों में बदलाव देखते हैं या उसके विशेष गुणों के बारे में सेंटेंस में देखते रहते हैं। अन्य कुछ उदाहरण देख लेंगे, जैसे कि मेरा दोस्त, जैसे विशेषण विशेषण मैंने बताया उसी तरह से लड़का बहुत होशियार है, लड़की बहुत पढ़ाकू है, लड़की बहुत तेज दौड़ती है। तो इसमें जो वर्ड्स है वो सभी विशेषण कहलाएंगे। तो आप लोगों को भी बच्चों ग्रामर इसी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को पढ़कर अच्छे से लिखना है और ग्रामर के बारे में जानना है। तो धन्यवाद बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको विशेषण अच्छे से समझ में आया होगा और जो भी कुछ आपको डाउट्स रहेंगे तो आप बाद में पूछ सकते हो और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।